स्क्रीन दिख रहा है अभी ना रसी जी, धीरज जी? नहीं सर अभी। हाँ जी अभी दिख रहा है। यस सर। चलो ठीक है, तो पैसेज पे आते हैं। देखिए पैसेज आपका आज का है पैसेज जो, हाँ देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देख क्या कर रहे हैं। आई एम कन्विंस्ड दैट स्कूल लर्निंग इज अननेचुरल एंड बैड फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या कर रहा है? ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है, स्कूल लर्निंग जो होता है क्या होता है? अननेचुरल होता है। क्या होता है? अननेचुरल होता है और बैड फॉर ह्यूमन बींग, और जो क्या ह्यूमन बींग के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मतलब स्कूल लर्निंग को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। कौन? जो ये ऑथर जो है यहाँ पर जो बोल रहा है, ठीक है, स्कूल लर्निंग को क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बारे में अच्छा उसका विचार नहीं है। ठीक है, इन स्कूल वी सैट ऑन द फ्लोर एंड कोरस्ट आवर लेसंस। क्या है? इन स्कूल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग फ्लोर पर बैठते थे और कोरस्ट आवर लेसंस। कोरस्ट क्या होता है? CHORUS। कोर्स मतलब क्या होता है? रटना होता है, बार बार पढ़ना होता है, रटना होता है। अब अपने लेसन को क्या करते थे, बार बार पढ़ते थे और याद करते थे हम लोग। ठीक है, द टीचर्स वेयर टेरिबल। अब देखो टीचर क्या होते थे, टेरिबल, बहुत ही डरावना होते थे, बहुत ही क्या करते थे, जिससे हम लोग डरते थे हम लोग। ये कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है। ठीक है, और टीचर क्या होते थे, टेरिबल होते थे। दे वुड राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। उनका कहने का मतलब ये था, जो टीचर जो होते थे वो बोर्ड पर कुछ लिखते थे, बोर्ड पर राइट समथिंग ऑन बोर्ड। आस्क अस टू टेक इट डाउन एंड गो और टू गॉसिप और टू स्मोक बीडीज। क्या करते, बोर्ड पर कुछ लिखते थे और हम लोग क्या बोलते थे, टेक इट डाउन, यानी कि इसे तुम लिखो, देख देख के लिखो। और वो क्या करते थे टीचर, गो और टू गॉसिप, बाहर क्या करते थे, बातें करने चले जाते थे या फिर बीड़ी पीने, स्मोक बीड़ी, बीड़ी पीने चले जाते थे। कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है, टीचर के बारे में कह रहा है। आई वॉज वेरी नॉटी, मैं क्या था, बहुत ही शरारती था। आई गॉट पनिश्ड एंड थ्रेस्ड वेरी ऑफन, मुझे बहुत बार क्या गया, मुझे पनिश किया गया और बहुत बार पीटा भी गया मुझे। बट इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम मिसचीफ। अब उसे कितना पिटाया गया, पनिश किया गया, तभी जो बदमाशी करता था, करता था, ये मिसचीफ का यहाँ ये मतलब है, ठीक है, तभी मेरा क्या हुआ, ये करना मेरा बंद नहीं हुआ। ठीक है, माई फैमिली इंसिस्टेड दैट आई शुड अटेंड स्कूल बट डिड नॉट स्कॉल्ड मी वेन आई फेल्ड। मेरे फैमिली जो थे क्या इंसिस्ट करते थे, क्या मुझे कहते थे, जो स्कूल जाओ, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, बट डिड नॉट स्कॉल्ड मी, लेकिन वो मुझे डांटते नहीं थे। कौन? उसके जो फैमिली थे, उसे डांटते नहीं थे। व्हेन आई फेल्ड, कब, जब वो फेल कर जाते थे तब एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई बेयरली मैनेज टू पास इच ईयर। वो किसी तरह, बेयरली क्या है, वो किसी तरह से क्या करते थे, हर साल पास तो हो जाते थे, किसी तरह से एग्जाम में पास कर जाते थे। इट वॉज द सेम स्टोरी व्हेन आई ज्वाइंड कॉलेज। ये कब तक चलता रहा, जब ये कॉलेज तक पहुंचा, कॉलेज में जाके पहुंचा। ठीक है, ये कब तक चलता रहा, जब किस तरह से वो पास हो जाता था। ठीक है, आई स्क्रैप थ्रू माई बी एग्जामिनेशन। देखो स्क्रैप थ्रू, यहाँ पर देखो वर्ड जो दिया गया, एक फ्रेजर वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है, ये हम लोग करेंगे, जैसे मान लो वर्ड वर्ड करेंगे, ठीक है, फिर फ्रेजल वर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये कुछ वर्ड आ जाएगा, जैसे स्क्रैप थ्रू। स्क्रैप थ्रू मतलब क्या होता है, किसी तरह से मैनेज करना, किसी तरह से प्रवेश ले लेना, किसी तरह से उसमें चले जाना, बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से, ये होता है स्क्रैप थ्रू का मतलब होता है। I scraped through my BA examination. वो किसी तरह से क्या BA examination में वो जा पाया। ठीक है, What a relief it was to know that I need never go into a classroom again. What relief? अब क्या कह रहा है? अब relief उसके लिए क्या था? उसके लिए क्या था? It was to know that, ये जानकर बहुत relief हुआ, बहुत ही उसको मन का हल्का हुआ, that I need never go to into a classroom again. मतलब यहाँ पर ये माफ कीजिए, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर जो देखो स्कूल में क्या होता था हम लोगों को, जो स्कूल में डेली जाओ,
डेली जाओ डेली जाओ, लेकिन कॉलेज में हम लोग क्या होता है, कॉलेज जनरली हम लोगों को क्या कर जाता है, जो अपने मन पर है कि जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। अभी तो है 75% आपको क्लास में अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत बच्चे नहीं करते हैं क्लासेस, उसके लिए क्या था एक रिलीफ था ये चीज। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था, पैसेज बहुत छोटा सा था पैसेज ये, और कह सकते हैं पैसेज एक मीडियम लेवल का पैसेज था ये। और इसमें जो क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको क्वेश्चन एनालाइज करने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आपने देखा था, ठीक है? तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करें, आप अपने आवाज को अनम्यूट कर लो आप, ठीक है? चलो एक बार आ जाओ पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और इसका आंसर करना आपको। क्या कह रहा है, फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द फ्रॉम द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी ट्रू। अब देखो चार सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, तो चार सेंटेंस जो है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के बेसिस पर, ये चार पैसेज, सॉरी चार सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आप मुझे बताना एक बार, आप येस और नो में आंसर करना अभी। द टीचर यूज टू पनिश द ऑथर एवरी डे, ये होगा? मेरा आवाज तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा देखो, तो एक बार इसका इसको एनालाइज करो एक बार। द टीचर यूज टू, आपको सेंटेंस करेक्ट या इनकरेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है? द टीचर यूज टू पनिश द ऑथर एवरी डे, क्या ये ट्रू है? आगे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जो ऑथर जो था, टीचर जो था, जो ऑथर, ऑथर मतलब क्या, जो पैसेज अपने बारे में बोल रहा है ना, जैसे बोल रहा है ना आई एम कन्विंस्ड, क्या जो मुझे कन्विंस है, मुझे मेरा मानना है कि आई फेल्ड, जो कर रहा है ना, ये क्या है, एक ऑथर है, ऑथर है। तो क्या टीचर जो था, क्या वो टीचर जो था, क्या ऑथर को जो ये पैसेज ये बोल रहा था, क्या उसको डेली पनिश करता था? ऐसा नहीं है। हाँ, द पनिशमेंट गिवन बाय द टीचर्स हेल्प टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द ऑथर। The punishment given to by the teacher have to improve the behavior of the author. Answer सही या गलत करो, लेकिन करो, ठीक है? और quickly करो। देखो, देखो इसका मीनिंग अगर मान लो कभी कभी ना क्लियर अगर नहीं हो ना, तब भी आप कोशिश करो मीनिंग क्लियर करो आप, ठीक है? देखो क्या है, द पनिशमेंट गिवन बाय द टीचर, जो टीचर के द्वारा पनिशमेंट किसको दिया जाता था, ऑथर को जो दिया जाता था, क्या उसको इम्प्रूवमेंट होता था, उसके बिहेवियर जो था उसका, ऑथर का जो उसका आदत जो था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होता था, उसका ठीक होता था, उसमें हेल्प होता था? ऐसा नहीं कह रहा है उसको कई बार नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे में तो ये तो कह रहा था ना, जो उसको क्या करता था, उसको पनिशमेंट मिलता था, उसको थ्रैश किया जाता था, यानी पिटाई भी किया जाता था, लेकिन तब भी उसका जो हैबिट था उसका ठीक नहीं हुआ था। अगला कह रहा है क्या, द पनिशमेंट डिड नॉट स्टॉप द बॉयज मिसचीफ। पनिशमेंट होने के बावजूद भी बॉय का जो मिसचीफ था, जो शरारती कथा गलती करना था, वो ठीक नहीं होता था, ठीक नहीं हुआ, इसका यही हाँ ये हो सकता यही है ही। पूरा कह रहा है ना, जो उसको बहुत पनिशमेंट किया गया, टैस किया गया, तब भी उसका ठीक नहीं हुआ, तो आपका आंसर ये है। लेकिन फोर्थ में देख लेते हैं क्या है, द पनिशमेंट वॉज टू माइल्ड दैट द ऑथर एंजॉयड। मतलब पनिशमेंट क्या था, वैसा नहीं था, इसलिए क्या ऑथर था, बहुत इसका एंजॉय करता था पनिशमेंट का, था ऐसा है नहीं, यानी कि आंसर आपका तीसरा होगा। देखो आंसर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक चीज देखो, पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे रीड करो जो क्वेश्चन आपको जल्दी से आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन आपका मतलब समझ में आना चाहिए आपका। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन का मतलब समझा करो पूरा क्लियरली। इससे क्या हो जाएगा, जो अगर मान लो दो अगर ऑप्शन आपको सही मैच कर जाए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है मुझे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो उसको आप जब क्लियर कर लोगे, जब आपका पैसेज आपका पूरा पैसेज का क्वेश्चन क्लियर रहेगा तब, ठीक है? उसी में तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी ज्यादा था नहीं, तो आपका ये आंसर था, ठीक है? चलो इस पैसेज इस क्वेश्चन करने के लिए ना, आप वो तरीका नहीं अपना सकते थे कि क्वेश्चन को वर्ड मिलाओ, ऐसा नहीं कर सकते थे, इसमें आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, इसमें आपको पैसेज कुछ याद रखना होता है। चलो आगे आ जाओ, आई स्क्रैप थ्रू माई बी एग्जामिनेशन मीन्स दैट द ऑथर पास्ड द बी एग्जामिनेशन। थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज कर दिया था मीनिंग इसका, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आई स्क्रैप थ्रू माई बी एग्जामिनेशन
means that the author passed the BA exam. किस तरह से पास किया, किस तरह से वो इसमें examination में बैठा है, मतलब पास किया, इसका मतलब था ना escape through, मैंने बताया था ना किसी तरह से, किसी तरह से बहुत, हाँ, with great difficulty, you easily and with credits, using unfair means, only after several attempts. देखो बहुत बार प्रयास करने के बाद कुछ गलत तरीके से, बहुत आसानी और बहुत इजीली, बहुत ही उसको जो विश्वास था उस तरीके से, या फिर बहुत मुश्किल से. एस्केप थ्रू मतलब क्या हो जाएगा आंसर, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से. ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट truly indicates the author's opinion about the education system. देखो ये भी क्वेश्चन करने के लिए पैसेज का थोड़ा बहुत आपका समझ में आना चाहिए. पैसेज आपका पैसेज समझ में आया होगा तो आप जरूर करेंगे इसका आंसर. आप ये देखो, जैसे which one of the following statement, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो truly indicate the author's opinion about the education system. एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऑथर का ओपिनियन कैसा था, ओपिनियन क्या सोचता उसका, क्या सोचता था, ठीक है, जो ये बात बोल रहा था. तो पैसेज एनालाइज करिए आप, देखिए द ऑथर्स एप्रिशिएटेड ऑफ इट दैट एजुकेशन सिस्टम को क्या करता था, वो बहुत ही महत्व देता था. ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या, ही इज हाईली क्रिटिकल एंड सार्केटिक अबाउट इट. वो क्या था जो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या था, क्रिटिकल था. क्रिटिकल था मतलब क्या, उसके बारे में बुराई करता था, उसके बारे में क्या एक मजाक उड़ाता था, कौन, ऑथर. दूसरा कह रहा है क्या, He thinks that it is good, but the teachers are bad. तो सोचता था कि ये तो education system अच्छा है, लेकिन teacher अच्छे नहीं है, teacher bad है. चौथा कह रहा क्या, He thinks that it is imperfect, but can be improved. मतलब क्या उसका सोचता ये था कि education system जो था क्या था, imperfect था, यानी कि पूरा तरह से ठीक नहीं था, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इसको improvement इसमें किया जा सकता है. तो बताना एक बार इसका आंसर आप. इसका आंसर सी हुआ था. सी, ओके, डी. चलो अब मैं एक बार और लेके आता हूँ क्वेश्चन का. आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखो चार स्टेटमेंट में से आपको एक चूज करना है आपको, और इसमें ऑथर जो था ना पैसेज को क्या कह रहा था, यानी इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या उसका सोचना था, क्या मानना था उसका. देखो पैसेज का मैंने स्टार्टिंग में ही वैसे इंडिकेटर बता दिया था आपको, लेकिन आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मैं आता हूँ, एक बार एक सेंटेंस पर जाता हूँ. पहला देखो, आई एम, पहला सेंटेंस का देखो पैसेज का, आई एम कन्विंस दैट स्कूल लर्निंग इज अनैचुरल एंड बैड फॉर ह्यूमन बींग्स. क्या वो स्कूल सिस्टम, यानी कि स्कूल लर्निंग मतलब क्या, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है, उसका जो नेचर है, उसका जो मानना है ना, क्या अनैचुरल है, बैड फॉर ह्यूमन बींग्स, ये उसका क्या, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में. इससे तो पूरा क्लियर हो रहा है ना ये, कि हम लोगों को स्कूल में क्या करते थे, हम लोग फ्लोर में बैठते थे हम लोग, फिर उसको लेसन याद करते थे हम लोग, टीचर क्या थे यहाँ पर तो बहुत टेरिबल होते थे, फिर क्या करते थे वहाँ पर तो क्या बोर्ड पर कुछ लिखते थे, फिर यहाँ पर बाहर में जाकर गॉसिप करते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे. मतलब स्कूल लर्निंग के बारे में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में उसका क्या था, तो क्रिटिसाइज करते थे, ही इज हाईली क्रिटिकल, उसके बारे में बुराई करते थे ना, क्रिटिसाइज करते थे ना, क्रिटिकल थे. सार्केटिक मतलब क्या होता है, सॉरी सार्केटिक मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में एक व्यंग कसना, उसके बारे में बुरा बोलना, भरा बोलना, उसके बारे में गलत सोच रखना. ठीक है, सार्केटिक एक ये मीनिंग होता है. आपका आंसर ये हो जाएगा, ही इज हाईली क्रिटिकल, उसके बारे में बहुत ज्यादा उसका सोच अच्छा नहीं था, बुरा था ना. अब देखो आप आंसर सी कर रहे हो, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ. ही थिंक्स दैट इट इज गुड बट द टीचर्स आर बैड. वो तो टीचर को तो बोलते ही थे ये बुरे हैं, जो ऐसा मुझे कुछ लिखने दे देते हैं, बाहर में जाकर गॉसिप करते थे, इसके अकॉर्डिंग आप सही बोल रहे हो. ठीक है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी तो वो ठीक नहीं बोल रहे ना, जो क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग के लिए क्या है, बैड है ना, यानी ह्यूमन बींग मतलब क्या, इंसान के लिए वो क्या है, बैड है. तो पहले इसका सेंटेंस था, यहाँ पर तो इट इज गुड, इट इज मतलब क्या, एजुकेशन सिस्टम. आपका आंसर ये यहाँ पर ये नहीं होगा, इट इज गुड नहीं था, उसके हिसाब से क्या था, ये बैड था. ये एक मिनट जाऊंगा, लगता है इसको बंद करना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ चलो ठीक है, तो क्या था, आई वांट
बहुत